नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश, 2 लाख तक के कृषि ऋण होंगे माफ। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड सरकार बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की है। इस कविता में उन्होंने पिछले 4 साल की स्थिति का जिक्र किया। इसके बाद वित्तीय संकल्पना के बारे में सदन को बताते हुए कहा, हमारे पांव जमीन पर हैं, मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट सदन में प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक है। पिछले साल सरकार ने 91,832 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने 9% वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने झारखंड सरकार की कमाई के स्रोतों के बारे में भी विधानसभा को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार को टैक्स से 34,200 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 19,301 करोड़ रुपए नॉन टैक्स से मिले हैं। वहीं केंद्रीय सहायता के रूप में उन्हें 16,961 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। आंधी पानी से गढ़वा पलामू में भारी नुकसान, 2 बच्चों की मौत। राज्य के उत्तरी हिस्से में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर रहा, इसकी वजह से आंधी चली। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर दर्ज की गई। कई जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात भी हुआ है। आंधी तूफान से गढ़वा पलामू भारी नुकसान की सूचना में है, वहीं 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। पलामू में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। इधर राजधानी में भी शाम के बाद बारिश हुई, यहां भी हवा की गति सामान्य से थोड़ी तेज थी। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले में रमुना के बहियार कला गांव में आंधी के कारण पोल गिर गया। इस पोल के नीचे दब कर 12 वर्षीय हुसैन राजा की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घटना के वक्त वह स्कूल से लौट रहा था। वहीं रमुना की ही उप प्रमुख खदीजा बीबी के ऊपर छत का सीट गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र संगठन चलाएंगे ट्विटर अभियान। जेएसएससी के माध्यम से आगामी समस्त परीक्षाओं को कदाचार मुक्त, सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच और समय पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण एक बार फिर से आर पार के मूड में आ गए हैं। इसी क्रम में छात्रों ने सरकार और जेएसएससी को एक चेतावनी संदेश के रूप में दिनांक 29 फरवरी को बृहद ट्विटर अभियान रखा है, जिसमें हैशटैग कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार है। यह ट्विटर अभियान 29 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलाया जाएगा, जिसमें झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण शामिल होंगे। छात्रों और शिक्षक का कहना है कि इस ट्विटर अभियान का सिर्फ एक मकसद है कि सरकार और आयोग जल्द से जल्द सारी परीक्षाओं की तिथि प्रकाशित करे, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश दे, साथ ही साथ एक साफ सुथरी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र कराई जाए। झारखंड में आज होगी नए बिजली ट्रैफिक की घोषणा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023-24 के ट्रैफिक की घोषणा बुधवार को की जाएगी। दोपहर 1:30 बजे आयोग के कार्यालय में ट्रैफिक की घोषणा की जाएगी। ज्ञात हो कि JBVNL ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के ट्रैफिक में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इतना ही नहीं, फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपया प्रति यूनिट है, जिसे बढ़ाकर 8.60 रुपया प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रुपया प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा होगी बीजेपी की उम्मीदवार। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा भाजपा की उम्मीदवार होगी। इनका नाम लगभग तय हो चुका है। 2 दिन पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। वहीं राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार झामो से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेमरम पर दाव लगा सकती है। इनके नाम पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। लोबिन हेमरम की सहमति मिलने के बाद उन्हें भाजपा में शामिल कराकर राजमहल से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों सीटों के अलावा लोकसभा की सभी 12 सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में चुनाव समिति के समक्ष अलग अलग लोकसभा सीट से दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई।
सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने पर पार्टी में घमासान मचा है। प्रदेश कांग्रेस के तीन कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की शिकायत लेकर दिल्ली आलाकमान के पास पहुंचे हैं। पार्टी के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाला से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि राजेश ठाकुर के पास संगठन चलाने की क्षमता नहीं है। गीता कोड़ा पिछले कई महीने से उपेक्षित महसूस कर रही थी। वह पार्टी की एकमात्र सांसद थी लेकिन संगठन में उन्हें कोई तजो नहीं दिया जा रहा था। महाशिवरात्रि के लिए कल से खुलेंगे मंदिर के पंचशूल। बाबा मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी मंदिर प्रशासन की ओर से जोर शोर से शुरू कर दी गई है। भक्तों को सुलभ जलार्पण कराने व भीड़ नियंत्रण के लिए मंथन चल रहा है। महाशिवरात्रि के पूर्व बाबा मंदिर सहित परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के शिखर पर लगे पंचशूल को खोलकर साफ करने तथा पूजा करने की परंपरा रखी है। इसके लिए भी तिथि तथा मुहूर्त के अनुसार पंचशूल उतारा जाता है। बाबा मंदिर स्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने मंदिर प्रशासन को तिथि को लिखित रूप से उपलब्ध करा दिया है। पंडित जी के अनुसार गुरुवार को भगवान गणेश के मंदिर से पंचशूल को खोलने की परंपरा शुरू की जाएगी। उसके बाद बारी बारी से सभी मंदिरों के शिखर पर लगे पंचशूल खोले जाएंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत पर हाई कोर्ट में बहस जारी। 28 को सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने कहा है कि 28 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। बता दें ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की और ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया है। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का पुरजोर विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखा। बहरूपिया है बीजेपी वाले, चंपाई सोरेन ने लगाया आरोप। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को झामो की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा एक लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेता वोट मांगने जाएंगे लेकिन हमें इन बहरूपियों की पहचान करनी होगी और लोकसभा की 14 सीटों पर जीत दिलाकर हेमंत सोरेन के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने सवाल किया पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 सालों में आदिवासी मूलवासी के लिए क्या किया। पुराना विधानसभा मैदान में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामो की ओर से संकल्प सभा आयोजित की गई थी। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन की आदिवासी मूलवासी के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने से भाजपा को परेशानी होने लगी। गलत मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया लेकिन हम सभी उनके साथ और उनकी योजनाओं को सरकार आगे बढ़ा रही है। झारखंड में अब 2 लाख रुपए तक कर्ज होगा माफ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान चंपई सरकार ने राज्य के किसानों का ख्याल रखा है। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्ज माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने का फैसला किया है। साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कृषि एवं पशुपालन के लिए 40,606.57 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए रस्साकसी तेज। राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए रस्साकसी तेज हो गई है। कक्षा 1, 6 और 9 में नामांकन के लिए 3 मार्च तक आवेदन फॉर्म जमा लिए जाएंगे। बता दें रांची जिले के 5 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और नामकुम स्थित एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के बाद मेधाक्रम के आधार पर नामांकन के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। बताया गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू है। प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा 1 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद के दौरे पर आने वाले हैं। वह सिंदरी में हल खाद कारखाने का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों पर चल रही है। मंगलवार को दिल्ली से ISPG की टीम के साथ राज्य के DGP अजय कुमार सिंह, वन विभाग के सचिव मनीष रंजन, ADG संजय आनंद राव लाटकर, धनबाद के DC वरुण रंजन, बोकारो जोन के IG माइकल एस राज, DIG सुरेंद्र कुमार झा, धनबाद SSP HP जनार्दन आदि ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। सभी
अधिकारी हर्ल कारखाना पहुंचे और हेलीपैड, सभा स्थल, उद्घाटन स्थल आदि का जायजा लिया। इसके बाद टीम ने बरौड़वा हवाई पट्टी और वहां प्रस्तावित सभा स्थल का भी निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। मूलवासी सदान मोर्चा केंद्रीय समिति 15 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा। खूंटी जिले से मूलवासी सदान मोर्चा के बने तले सदान अधिकार मंच मंगलवार को जिला से सैकड़ों की संख्या में लोग मोराबादी के लिए रवाना हुए। इस दौरान महामहिम राज्यपाल को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसके तहत बताया गया कि मूलवासी सदान कोई जाति नहीं बल्कि एक बड़ा समुदाय है, जिसमें अगड़ी पिछले दलित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, जो मूल रूप से झारखंडी हैं। मूलवासी सदानों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर झारखंड आंदोलन तक में अपनी शहादत दी है, लेकिन लगातार मूलवासी सदानों की उपेक्षा झारखंड में होती रही है। झारखंड में तीन तरह के लोग निवास करते हैं। पहले मूलवासी सदान, जिनकी आबादी 65% है, वहीं दूसरा जनजातीय, जिनकी आबादी 26% और तीसरा प्रवासी हैं, जिनकी आबादी 9 से 10% है। विज्ञान के प्रति बढ़ रही झारखंड के विद्यार्थियों की रुचि। विज्ञान के क्षेत्र में झारखंड के विद्यार्थियों में रुचि बढ़ रही है। इसकी वानगी है इंस्पायर अवार्ड मानक को लेकर बढ़ रही भागीदारी। यह उत्साहवर्धक इसलिए है क्योंकि इस बढ़ती भागीदारी में बड़ी संख्या सरकारी स्कूल के बच्चों की है। बीते 5 साल में राज्य के हजारों बच्चों के वैज्ञानिक सोच को मॉडल का रूप देने के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। इन छात्रों को 10-10 हज़ार रुपये भारत सरकार की ओर से मॉडल बनाने के लिए दिए गए। इसमें से कई विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए हुआ। कई देश भर के शीर्ष 60 प्रतिभागी में भी चुने गए, तो वहीं कुछ के आइडिया को सरकार की ओर से पेटेंट कराया गया, जो कुछ के आइडिया को पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द प्रारंभ करने पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संताली हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं को विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो, इसके लिए सभी तैयारियां जल्द करें। झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार। झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार हैं। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से पलामू के हैदरनगर में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची घायल हो गई है। वहीं गढ़वा के रमना प्रखंड में स्कूल से घर लौट रहे छात्र की मौत हो गई, वह आंधी तूफान की चपेट में आ गया था। वहीं उप प्रमुख खदीजा बीबी भी घायल हो गई है, उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और पलामू व गढ़वा समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई है। आंधी व वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की आशंका भी है। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल हाई स्कूल में होंगे अपग्रेड। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों ने अनुशंसा किया था, जिसके बाद विभाग ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। हाई स्कूल बनने से छात्र छात्राओं को 9वीं व 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, वे अपने ही स्कूल में हाई स्कूल की सुविधा ले पाएंगे। खासकर लड़कियां सबसे अधिक लाभान्वित होंगी, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन मिडिल स्कूल के हाई स्कूल में अपग्रेड होने से वे अपने ही गाँव में पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। गीता कोड़ा की पलटी पर भाजपा नेता का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा सोमवार को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई है। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा ज्वाइन करवाया। अब गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने पर पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गीता कोड़ा एक ईमानदार नेता है, उन्होंने हमेशा इस सरकार को आईना दिखाया है। 1932 खतियान पर उन्होंने यह कहा कि पूरा का पूरा कोल्हान उसका अंग ही नहीं है। 1956 के बाद से कोल्हान बिहार और झारखंड का हिस्सा बना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि इन लोगों को कोई वास्तविक स्थिति पता नहीं है, उन्हें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कांग्रेस के हाथों से चाईबासा सीट निकल गई है। इस कारण से गीता कोड़ा पर आरोप लग रहा है। सिमडेगा में पुलिस टीम पर हमला। झारखंड के सिमडेगा जिले के
जलडेंगा प्रखंड में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। यहां के लोम्बोई में मंगलवार को लगे साप्ताहिक बाजार में अवैध शराब बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जलडेंगा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मगर साप्ताहिक बाजार में अवैध शराब की बिक्री को बंद कराने और आरोपियों पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर शराब विक्रेताओं ने हमला कर दिया। देखते ही देखते कुछ गांव वाले भी इस हमले में शामिल हो गए। पुलिस की टीम को चारों तरफ से घेर कर ग्रामीणों ने हमला किया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सर्वे की डाक विभाग को मिली जिम्मेदारी। देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 2 से 3 करोड़ लोगों को फायदा मिल सकेगा। यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया जाएगा। इसकी जानकारी डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान डाक प्रमंडल देवघर के सभागार में कही है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सर्वे की जिम्मेदारी डाक विभाग को दी गई है। इस सर्वे पोस्टमैन एवं ग्रामीण डाक सेवक करेंगे। डाक अधीक्षक ने बताया है कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध QRT पीएम सूर्य घर ऐप के माध्यम से लाभार्थी को पंजीकृत कराना होगा। धन्यवाद।